जब जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाएगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमेशा याद किए जाएंगे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1 अक्टूबर साल 1979 में वीर चंद्र गढ़वाली का निधन हुआ। दरअसल साल 1930 को पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे प्रदर्शनकारी पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। उस वक्त वीर चंद्र भारतीय ब्रिटिश सैनिक के रूप में रॉयल गढ़वाल राइफल्स में पेशावर में तैनात थे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम भेद करके गढ़वाली सैनिकों के हाथों पठानों को मरवाना चाहते थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में कैद की सजा में बदल दिया गया। इस घटना ने उन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में ख्याति प्रदान की। जून 2002 को उनकी स्मृति में उत्तराखंड में आधिकारिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर साल 1847 को डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ। जिस देश ने भारत पर हुकूमत की, वहीं के नागरिक होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारत से प्रेम किया। उनके जीवन का लक्ष्य था हिंदू समाज और उसके आध्यात्मिकता में आई हुई विकृतियों को दूर करना। वे भारत को ही अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि समझती थी। उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन भर एनी बेसेंट ने कर्म को अपना मूल मंत्र माना।